दोस्तों, अगर आपका उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में है और आप चाहते हैं कि हम कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करें ताकि मान लीजिए कि हम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाए, मोबाइल बैंकिंग यूज कर पाए, डेबिट कार्ड मेरे पास आ जाए ताकि हम कहीं से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम कहीं पर रिचार्ज वगैरह कर पाए, बिल पेमेंट कर पाए, या फिर जितने भी सुविधा होते हैं कहीं पर क्यूआर कोड को स्कैन करके हम ट्रांजैक्शन कर पाए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप फैनपे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपसे वहां पर पैन कार्ड मांगे जाते हैं, विदाउट पैन कार्ड आपका जो है फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन फैनपे में क्या है कि यहाँ पर आपसे पैन कार्ड नहीं मांगे जाते हैं, सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई भी चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये फैनपे होता क्या है, तो आपको बता दूं कि फैनपे एक तरह का वॉलेट है, जिस तरह से पेटीएम है उसी तरह से ये फैनपे भी है। लेकिन पेटीएम में क्या होते हैं कि केवाईसी कंप्लीट करने के लिए मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन फैनपे में हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मेरे पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। और ये फैनपे उनके लिए खास करके अच्छा ऑप्शन है जिनका उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में, हालांकि ये हर कोई यूज कर सकता है लेकिन खास करके इन्हें 13 साल से 19 साल के लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप फैनपे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप जीरो बैलेंस के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फैनपे में आपको खुद का एक यूपीआई आईडी क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जिस तरह से गूगल पे में, फोन पे में हम लोग खुद का यूपीआई आईडी बनाते हैं, उसी तरह से आप फैनपे में भी अपना खुद का एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे अच्छी सुविधा इसमें मुझे ये लगता है कि इसमें आपको डिजिटल और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों मिल जाते हैं। डिजिटल डेबिट कार्ड आपको इंस्टेंट जो मिलते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाएं तो आप वहां पर ऑर्डर देकर के अपना फिजिकल डेबिट कार्ड भी मंगवा सकते हैं। फैनपे अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड दिए जाएंगे तो इस डेबिट कार्ड से आप कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, कहीं से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। साथ ही इसमें जो आपको डेबिट कार्ड दिए जाएंगे तो इस डेबिट कार्ड को आप अपने फोन पे या फिर गूगल पे में भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फैनपे में और भी काफी सारी सुविधा मिल जाती है, जैसे कि आप कहीं पर रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट पर भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने इस फैनपे अकाउंट में आप पैसा ऐड कर सकते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपका उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में है और आप फैनपे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप किस तरह से फैनपे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो आज का ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और आप यहाँ पर टाइप करेंगे फैनपे। फैनपे सर्च करने के बाद यहाँ पर फैनपे एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद जब फैनपे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। जब आप फैनपे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पर फैनपे के कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप फैनपे के साथ ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप अपना ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप इसको यहाँ से रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आप दोबारा मंगवा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने फैनपे का रुपे डेबिट कार्ड आ जाएगा, इसको आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको लोकेशन और कॉन्टैक्ट का परमिशन देना है, इसके लिए आप यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से ग्रांट परमिशन। इसके बाद आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड के नंबर होगा, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करके इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करके यहाँ से आप सबमिट करेंगे।
अगर किसी कारण से ओटीपी नहीं आता है तो आप इसको यहाँ से रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके आप उसको दोबारा भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है जिस पर ओटीपी आएगा तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विथ मिनिमम केवाईसी पर क्लिक करेंगे और अपना मिनिमम केवाईसी करेंगे। मेरा आधार कार्ड के साथ मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दिया है, अब यहाँ से हम सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर नीचे आपको कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप एक साल के अंदर में 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद पे ऑनलाइन यूजिंग योर फेम कार्ड, आप अपने फेम कार्ड से कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्कैन एंड पे यूजिंग यूपीआई, आप यूपीआई के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी क्यूआर कोड स्कैन करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको अपना फेम पे में बैलेंस ऐड करना है, इसके लिए आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जितना भी बैलेंस ऐड करना है आप अपना बैलेंस यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आप यूपीआई कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप बैलेंस ऐड करने के लिए ऐड न्यू कार्ड, आप कोई कार्ड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई के माध्यम से भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड से बैलेंस ऐड करना है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर कार्ड नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे और जो भी हमारा कार्ड नेम होगा, मतलब कार्ड पर जिसका भी नेम होगा वे नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे। CVV हम यहां पर डालेंगे और मंथ एक्सपायरी डेट हम यहां पर फिल करेंगे। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस ऐड करना है तो आप यहां से अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां से कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा डालकर आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करके फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं फेमपे कार्ड में हमारा बैलेंस ऐड हो चुका है। इसके बाद ऊपर में आपको डिजिटल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, इसको आप स्वाइप डन करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, डेबिट कार्ड का डिटेल्स देखने के लिए आप और यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके कार्ड के डिटेल आ जाएगा, जो भी कार्ड नंबर रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगा, CVV रहेगा, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा और आपके कार्ड में जो भी बैलेंस रहेगा आप इस बैलेंस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर ऑर्डर कार्ड पर क्लिक करेंगे। कार्ड मंगवाने के लिए आप यहाँ पर गेट योर फेम कार्ड पर क्लिक करेंगे। अपना डेबिट कार्ड पर आप जो भी नाम डालना चाहते हैं आप अपना नेम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आप जिस भी एड्रेस पर में अपना कार्ड मंगवाना चाहते हैं आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको कार्ड मंगवाने के लिए 236 रुपीज पे करने होंगे, इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फेमपे वैलेट में जो भी बैलेंस रहेगा वे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फेमपे वैलेट से भी पैसा यहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अलग इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड से पैसा कटवाना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके और अपना इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से पैसा पे कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका कार्ड आपके एड्रेस पर में सेंड कर दिया जाता है। 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर में आपके एड्रेस पर में बाय पोस्ट आपका फेम कार्ड पहुंच जाएंगे। ऊपर में यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का आइकॉन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपने कार्ड को पॉज कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पॉज योर कार्ड। इसके बाद यहाँ पर यस करेंगे। जब आप यहाँ पर कार्ड पॉज करते हैं तो आपकी इस कार्ड से कहीं पर भी पेमेंट नहीं होगा। ये ऑप्शन आपके लिए तब बेटर रहेगा जब मान लीजिए कि आपका कार्ड कहीं पर खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो आप अपने कार्ड को यहाँ से पॉज कर सकते हैं। आपकी इस कार्ड से कहीं पर भी पैसा विड्रॉ कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रांजेक्शन सेटिंग, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसको इनेबल करेंगे तभी आप कहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इस कार्ड के लिमिट को आप मतलब आप शॉपिंग लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, इसके लिए आप यहां पर सेट लिमिट पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग में जितना भी लिमिट रखना चाहते हैं वे लिमिट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जितना आप यहाँ पर लिमिट रखना चाहते हैं, जितना ऐड करना चाहते हैं उतना का ही आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप इस लिमिट को कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी भी डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप यहां पर पेमेंट का ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे या फिर आपके मोबाइल नंबर में जो भी कॉन्टैक्ट होगा वे कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाते हैं।
आप जिसके नंबर पर बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। और अगर आपको बैलेंस सेंड करना है तो आप यहां पर जितना भी बैलेंस सेंड करना चाहते हैं बैलेंस यहां पर ऐड करेंगे और अपना बैलेंस आप यहां से सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना एक UPI ID भी बना सकते हैं। UPI ID बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटअप योर UPI ID। इसके बाद आप यहां पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। इसके लिए आप यहां पर सेंड SMS टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका UPI ID सेटअप हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा UPI ID क्रिएट हो चुका है। अगर आपको कभी भी UPI ID फिर से एडिट करना होगा तो इसके लिए आप यहाँ पर एडिट योर UPI ID पर क्लिक करके आप अपना UPI ID को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कभी भी QR कोड स्कैन करके बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा तो इसके लिए आप यहाँ पर स्कैन QR पर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड स्कैनर आ जाएगा। आप इसको यहाँ से स्कैन करेंगे। इसके बाद आप जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप अपना बैलेंस यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके बाद आप यहां से सेंड करें। तो इसी तरह से आप फैमपे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप फैमपे यूज कर सकते हैं। जब आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो डेबिट कार्ड आपका बहुत जल्द आपके एड्रेस पर में बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर में आपके एड्रेस पर में आपका डेबिट कार्ड पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको एक चीजें और बता दूं कि जब आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो, मतलब फिजिकल डेबिट कार्ड आप मंगवाते हैं, तो उस फिजिकल डेबिट कार्ड पर में आपका कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी मंथ, डेट वगैरह उस पर में ऐड नहीं रहता है। सिर्फ आपका नाम उस पर में ऐड रहता है और आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कार्ड के डिटेल्स आपको देखना होगा तो आप फैमपे एप्लीकेशन से जाकर के आप अपने कार्ड के डिटेल जहां पर डिजिटल डेबिट कार्ड होते हैं वहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।